व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को अमेरिका ने धमकाया और मेजर गौरव आर्य सर ने तोड़ दी कमर। ओ भैया, मजा आएगा वीडियो के अंदर। और सर का ह्यूमर आपको पता ही है, थग लाइव मोमेंट भी होंगे। कर दे लाइक, चैनल में तो सब्सक्राइब, चैनल के डायलॉग चैनल से वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 लेट्स गो। जैसे भेड़िया के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के ना दांत है ना उसके नाखून है, लालची उतना ही है। क्या लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की। एक्सेप्ट दैट चाइना की इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान की सिर्फ इंटेंट है, कैपेबिलिटी जीरो है। रोस्ट पाकिस्तान का बस चाहे तो वो जूनागढ़ से लेकर सियाचिन से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर सब कुछ खा जाए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ये है कि खुद का खैबर पख्तूनख्वा, खुद का बलूचिस्तान, खुद का जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर या फिर गिलगित, यही सब इनसे संभाला नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बात। लालच पूरी है पाकिस्तान में। उसी प्रकार से चीन में कैपेबिलिटी भी और इंटेंट भी है, लेकिन चीन की कैपेबिलिटी के दांत तोड़ने के लिए अब दुनिया इकट्ठा हो गई है। तो दुनिया ने बोला, यार तुमने बहुत आंखें शाखें दिखा ली। यार देखो, एक लेवल पे तुम्हें तमीज से बात करनी पड़ेगी। एक लेवल तक हम झेलेंगे, उसके बाद नहीं झेलेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए, व्हाई डिड ही विजिट आईएनएस विक्रांत, ये सब होता है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्तों। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं, सब ऑप्टिक्स ना। इनको चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा, बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहा होगा। कायदे से क्या होना चाहिए। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है, वो दिल्ली आते हैं, वो बंबई जाते हैं, एक्स वाई जेड जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं, बिजनेसमैन उनके साथ आते हैं, मीडिया को एड्रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब एक देखा गया है कि नॉर्मली हर जगह यही चीज होती है, खासतौर से भारत में। वो रेड उसके ऊपर चल रहे हैं, वो जो ड्राइववे है वो ग्रेवल का या पता नहीं कौन सी, वो पत्ती सी मिट्टी जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, ये सब इमेजेस। इन सब से परे, ये सब तो हुआ ही हुआ, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, ये सब तो हुआ ही हुआ। इसके परे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर आईएनएस विक्रांत पे जाता है। बिल्कुल, वहां पे नेवी चीफ है, वहां पे द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज देयर, उनसे मिलते सब लोग वहां पे हैं उनको ग्रीट करने के लिए, एंड देयर ही इज बीइंग शोन द शिप। एक तो देखिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई किसी विदेशी को नहीं ले जाता, राइट right? अगर कल मैं बोलूं, जबकि मैं इतने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं पेट्रियट शूट करता था रिपब्लिक के लिए, तो क्या हुआ कि मैं इधर जाता था उधर जाता था, तो मैंने जैसे कि सब के सीक्रेट इंस्टॉलेशंस होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, राइट जैसे आर्मी में अगर आप बोलें कि आपको पैरा एसएफ के साथ शूट करना है, तो फिर वो थोड़ा सा फौज कहती नहीं यार जाओ, सॉरी। आई शॉट एट एसएफटीएस, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, बट मैंने पैरा एसएफ के अंदर शूट नहीं करा, किसी बटालियन के अंदर, जैसे कि यू नो मे बी 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा 4 पैरा या 9 10 21, ये सब जो पैरा एसएफ की बटालियन है, आई हैव नेवर शॉट इनसाइड अ पैरा एसएफ बटालियन। यू नो आर्मी पोलाइटली मना कर देती है, राइट एयरफोर्स के अपने हैं जहां पे कोई उनके सीक्रेटिव रडार स्टेशन है या कोई फाइटर बेस है, फॉरवर्ड फाइटर बेस, जहां पे वो नहीं बुलाते किसी को, मीडिया वीडिया की एंट्री नहीं होती। उसी प्रकार से मैंने इंडियन नेवी से एक बार ऐसे ही इनफॉर्मली मैंने किसी से बात करी फोन पे, मैंने बोला सर मेल लिखने से पहले जरा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू शूट। अब मैंने बोला मांग रहा हूं तो फिर यू नो पूरा ही मांग लेता हूं। मन में लालच भी थी कि यार यू नो लेट्स गो एंड सी आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत तो बड़े सीनियर नेवल ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात करी एंड आई सेड सर आई वांट टू शूट आईएनएस अरिहंत। उन्होंने मुझे जो बात बोली रिस्पॉन्स में, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बात बताई थी, बट बेसिकली ही सेड दैट यू नो दिस इज अबव एवरीबॉडीज पे ग्रेड। आईएनएस अरिहंत पे गौरव शूट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। Security protocols हो जाते हैं। This was told to me. Some other things were also told, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन लबोलुबाब उसका यही है। मोटा मोटी उन्होंने बोल दिया कि बेटा INS अरिहंत तो छोड़ दो तुम, वो तुम्हारे सपनों में नहीं होगा कभी, तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। और वहां पे ऐसा नहीं कि आप इंडियन नेवी के हैं तो आप INS अरिहंत पे जा सकते हैं, नहीं। सो ऐसे कुछ असेट्स होते हैं, वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ना, इट इज द मोस्ट पावरफुल असेट मिलिट्री प्लेटफॉर्म। आप आर्मी नेवी एयरफोर्स देख लो, आप एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, उसके ऊपर किसी विदेश के
प्रधानमंत्री को बुलाना और वहां पे उनको ऑब्वियसली मेरे हिसाब जो मैं सोचता हूँ कि गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया होगा, उनको वेलकम भी करा होगा, खाना वाना भी हुआ होगा और उनको एक टूर दिखाई होगी कि ये हमारी कैपेबिलिटी है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किस लेवल पे आपका डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है। चाइना को खुजली तो होगी पक्का, खाज होगी पूरी, खाज पूरी फुल ऑन। अच्छा एक और चीज है कि यूएस की यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसकी एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट ने यह प्रिडिक्ट करा है कि जहां तक भारत और चीन के तालुकात हैं वो स्ट्रेंड रहेंगे, उनमें खिंचाव रहेगा, उनमें तनाव रहेगा आगे चल के भी। और पर उन्होंने एक बड़ी बात यह बोली है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि करी या कश्मीर में कहीं और भारत को छेड़ा तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज वेरी लाइकली, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे। ये यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर जनरल है या डायरेक्टर यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है माफ कीजिए, वो कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत फिर घुसेगा अंदर, ठोक देगा, ये उनका है। हाइलाइटिंग द एक्सपेंडेड मिलिट्री पोस्चर्स बाय बोथ इंडिया एंड चाइना, वापस चाइना पे आते हैं, द रिपोर्ट वॉर्न्ड अबाउट एलिवेटेड रिस्क ऑफ आर्म कन्फ्रंटेशन बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स दैट माइट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस पर्संस एंड इंटरेस्ट एंड कॉल्स फॉर यूएस इंटरवेंशन विद पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। द रिपोर्ट एक्नोलॉजिज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्डिंग विद मिलिट्री फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू परसीव द रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशंस। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है, पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। आई लाइक इट, यस। अच्छा जी, आई लाइक इट। इंडिया और यूएस ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया और यूएस, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो said that India-US MOU on cooperation in semiconductors will help Indian side play a greater role in diversified supply chains. जैसे एक जमाने में लोग कहते थे ना कि यार जादूगर की जान तोते में है। हाँ कहते थे। तोते का गरम मरोड़ दो, जादूगर ऑफ। ठीक है। वैसे ही चीन की जान कहाँ पे है? चीन की जान जो है वो है उसकी सप्लाई चेन में, सप्लाई जो मैन्युफैक्चर करता है। हाँ। और सप्लाई चेन खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर और चिप, इससे ऐसा थोड़ी वही बना के वही बेचता रहेगा, जो चाइना का वर्चस्व चाइना कायम करना चाहता दुनिया में। और सही बात है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, हम और आपके मना करने से कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर बट इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। उसको ठोकने का प्रोग्राम ये है कि वी वुड लाइक टू सी इंडिया अचीव इट्स एस्पिरेशंस टू प्ले अ लार्जर रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन एंड टू दैट एंड द एमओयू दैट आई एम साइनिंग ऑन दिस ट्रिप अराउंड सेमीकंडक्टर्स इज डिजाइन टू हेल्प अचीव दैट गोल। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, मेड इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहां पर सेमीकंडक्टर। अच्छा बहुत सही, वैसे भी सेमीकंडक्टर के उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहां पर अरबों डॉलर लग चुके हैं। गवर्नमेंट ने 10 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 10 अरब डॉलर सेमीकंडक्टर में लगाएंगे, और बाकी भी बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, किसी ने 20 अरब, 30 अरब, 50 अरब, पता नहीं कितना कितना, तो पैसा टोटल अगर आप देखें सेमीकंडक्टर में तो करीब 100 अरब के आसपास भारत में इन्वेस्टमेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर, जिसमें से कि बहुत बड़ा जो मात्रा है, एक बहुत बड़ी मात्रा है, वो भारतीय खुद भारत में कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इंडियंस आर डूइंग इट इनसाइड इंडिया, तो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं साहब हम भी, हमारे 30 अरब, हमारे 20 अरब, इस करके 3-4-5 लोग हैं, और $10 बिलियन 10 अरब डॉलर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, क्योंकि अभी भारत क्या है, चिप्स वगैरह सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है, और ये चीज हर चीज में लगती है ना, आपके कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल फोन्स में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है हर जगह लगती है। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है भारत के लिए, और भारत ये टेक्नोलॉजी लाएगा, अमेरिका से साइन हो गया डॉक्यूमेंट, अब अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा और भारत इसको बनाएगा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बाय इन इंडियन, आत्मनिर्भर भारत, क्या बात है। तो अच्छा दोस्तों, अब आपने अच्छी अच्छी खबर सुन ली, अब जरा रोने धोने की बात भी कर लेते हैं, जरूरी है ना, क्योंकि फिल्म में जब पूरा मसाला होना चाहिए, इमोशन, लव, रोमांस, ट्रेजेडी, एक्शन, सब होना चाहिए, एक्शन
और लव और रोमांस आपने देख लिया, अब आप जरा ट्रेजेडी और रोने धोने पे आ जाते हैं। चलो इमरान खान कह रहा है कि यार जब से नया आर्मी चीफ आया है जनरल आसिम मुनीर, तब से हमारी मुश्किलात और बढ़ गई हैं कम होने के बजाय। अच्छा इमरान खान क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले इमरान खान का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इमरान खान का ये स्टेटमेंट है कि द पार्टी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेंज आफ्टर चेंज ऑफ कमांड एट GHQ, हाउएवर देयर इज नो चेंज, इन फैक्ट हार्डशिप्स हैव इंक्रीज्ड। आई वॉज आस्क्ड इफ आई वुड स्पीक टू द एस्टेब्लिशमेंट इफ दे वॉन्टेड टू टॉक, आई सेड आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, आई विल टॉक टू एवरीवन एक्सेप्ट थीव्स। अच्छा जी, चोर तो इन्होंने कह दिया शरीफ्स को और PDM को, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट को उन्होंने कह दिया, तो चोर चार लोग हैं, डकैत हैं, हम इनसे बात करेंगे नहीं। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज से बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इमरान खान क्यों चढ़ गया? क्योंकि इमरान खान ने भीख मांगी थी जनरल आसिम मुनीर से कि जनरल साहब प्लीज हमसे बात कर लो, प्लीज बात कर लो, प्लीज बात कर लो। जनरल आसिम मुनीर ने बोला देखो मैं फौजी आदमी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, भागो यहां से। उसने टाइट कर दिया, हमने कल वाले वीडियो में कवर करा था। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या, इमरान खान अपने मुल्क की सच्चाई जानता है। सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं 24-25 करोड़ पाकिस्तानी में से जितने भी एलिजिबल है वोट के लिए, जितने भी एलिजिबल है वोट के लिए, सारे के सारे अगर इमरान खान को वोट डाल दें और फिर जनरल आसिम मुनीर चाहे नई प्रधानमंत्री बनेगा तो नई प्रधानमंत्री बनेगा। भाई साहब पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका ने भी कह दिया कि गलती से भी गलती मत कर देना, मोदी के कार्यकाल के बीच में हो जाएगी दिक्कत। और नहीं सीधी सी बात है, इंडिया ये कहता है कि भैया पहले हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन तुम गड़बड़ कर मत देना, गलती से भी गड़बड़ गलती से भी गड़बड़ की गलती मत कर देना। और अगर आपने वीडियो देखी है भाई तो जरूर शेयर कर देना, इंडिया से अगर आप देख रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिख देना। बाकी मुझे एक चीज तो ये है, पाकिस्तान से देख रहे हो तो भी जय हिंद लिख सकते हो, हम बुरा थोड़ी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज जैसे सरने वाली बात बताई ना कि हर मूवी में मिर्च मसाल के बाद एक क्लाइमेक्स सीन भी होता है, तो वहीं पर चलो दुख दर्द की तरफ चलते हैं, दुख दर्द रोना और बहुत ही मतलब कि इससे जली तो होगी चाइना की भी और पाकिस्तान की भी कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो आए, जिस तरीके का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर मिला उनको, हर एक चीज, और उसके बाद फिर INS विक्रांत ले, क्योंकि तेजस खरीदने वाले हैं वो लोग इंडिया से शायद से, जो मैं सुना है। और फिर इंडिया की रिलेशंस भी ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि अब वो इंडिया की डिग्रीज को भी वहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यहाँ से अगर कोई डिग्री करके वहां जाते तो इजीली उसको जॉब मिल सकती है, वैल्यू मानी जाती है यहाँ की डिग्री प्राप्त करी हुई। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमने एक परमानेंट फ्री ट्रेड का, टैक्स फ्री ट्रेड का भी साइन हुआ है, तो काफी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही है। और मैच भी देखने आए थे अभी जो चल रहा है इंडिया का, और ये सर ने वो चीज बड़ी दिलचस्प बात थी, वो कह रहे कि मैं INS विक्रांत के, तो उन्होंने इन शॉर्ट बोला बेटा वहाँ पे शूट करना था, तुम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। यही सर का जो ह्यूमर है मुझे बहुत पसंद आता है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी वीडियो देखी होगी तो आपको भी मजा आएगा देख के और कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। तो कर दे वीडियो को लाइक शेयर, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।